कैथल जिले के गांव क्योडक के सरकारी स्कूल में हिंदी टीचर के रूप में कार्यरत डॉक्टर विजय चावला अपने पढ़ाने के अनूठे तरीके के कारण चर्चा में हैं। डॉक्टर विजय चावला ने हिंदी की ई ग्रामर तैयार की है, जिसे स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर विजय चावला ने खेल पिटारा का भी विकास किया है, जिसमें लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों की तरह बच्चों को हिंदी ग्रामर का ज्ञान कराया जाता है। अपने इस नवाचार के लिए डॉक्टर विजय चावला को कई सम्मान मिल चुके हैं। उनकी इस नई तकनीक को देश के 13 राज्यों में बच्चों को हिंदी पढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। हमने डॉक्टर विजय चावला से उनके इस नए तरीके के बारे में विस्तार से बात की। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। डॉक्टर विजय चावला का उत्साह बढ़ाने के लिए दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। मैंने हिंदी शिक्षण में रुचिकर बनाने के लिए फिलहाल अभी वर्तमान में भाषा खेल पिटारा बनाया है, जो ई कंटेंट है। इसमें 15 खेलों को शामिल किया गया है। मकसद यह है कि प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण जो है वो रुचिकर हो, बच्चे तनाव मुक्त होकर के भाषा शिक्षण अपना अध्ययन कर सकें। प्रारंभ में जब बच्चा विद्यालय में आता है तो अक्सर उसका मौखिक भाषा का विकास नहीं होता। विद्यालय में घर की भाषा की ओर अध्यापक ध्यान नहीं देते, तो घर की भाषा से विद्यालय की भाषा की ओर ले जाने के लिए और बातचीत के अवसर देने के लिए मैंने खेल पिटारा में 15 खेलों को शामिल किया है, जिसमें भाषा शिक्षण के 4 रेखीय मॉडल का पूरा ध्यान रखा गया है। मौखिक भाषा का विकास, डिकोडिंग कौशल का विकास, पठन कौशल का विकास और लेखन कौशल का विकास। जैसे ये पासों के खेल हैं, इन पासों के खेल के माध्यम से हम जो है बच्चों का चारों कौशलों का विकास कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए भाषा शिक्षण जो रुचिकर बनाने के लिए खेल बनाए हैं, तो खेलों के साथ साथ ई कंटेंट भी डेवलप किए हैं, ताकि स्मार्ट कक्षा कक्ष के माध्यम से DTH में जो वो अपना LED लगी हुई है उनके माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से उन ई कंटेंट को रुचिकर बनाते हुए पढ़ाया जा सके। सरल चित्रों समेत व्याकरण के पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें वर्ण विचार से लेकर वाक्य विचार तक पदबंध, अलंकार, रस, छंद, शब्द शक्ति, गुण, सभी पाठ्यक्रम के जो विषय वस्तु है उनको कवर किया गया है। सरल है, सचित्र है और इसका बच्चे और अध्यापक खूब लाभ उठा रहे हैं। बच्चे अपने आप भी इसकी तैयारी कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, यदि उनको ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाए तो वो घर बैठकर भी अपनी ई व्याकरण की तैयारी कर सकते हैं। आपने मैंने हिंदी ई व्याकरण बनाई है, ये स्मार्ट कक्षा कक्ष के माध्यम से इसको मैं पढ़ाता आया और साथ साथ नवोदय क्रांति का राष्ट्रीय मोटिवेटर भी हूँ, तो उसकी सहायता लेते हुए मैंने 15 राज्यों में ई ग्रामर भेजी और 15 राज्यों में इसका प्रयोग हो रहा है। इसके सफल प्रयोग को ध्यान में रखते हुए जब मैं राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से मिला और अपने जो उस समय के हमारे ACS साहब थे PK दास जी, उनसे मिला, उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की और PK दास जी ने ये कहा था कि हम इस पर विचार मंथन करेंगे और आगे SCERT के माध्यम से इस ई व्याकरण का लाभ उठाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। और राकेश गुप्ता जी ने तो ये भी कहा था कि इसके पश्चात आप प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भी कुछ करें, तो उन्हीं की बातों पर हमने जमा बनाते हुए मैंने ये खेल पिटारा जो हिंदी ई व्याकरण है वो 15 राज्यों में अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। बच्चों को उन्होंने निशुल्क मुहैया भी करा रखी है और वो खुद भी इसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा में भी शिक्षण संस्थानों से मेरे पास इसकी कॉपी मांगी गई थी और उनका प्रयोग किया जा रहा है। प्रत्येक हिंदी अध्यापक हरियाणा में जो है कैथल जिले में अपना अम्बाला में जहाँ भी हमारे हिंदी अध्यापक के पास मैं भेज सका मैंने भेजा, हिसार में भी, सब जगह भिवानी में भी इनका प्रयोग हो रहा है, विद्यालयों में अध्यापक इसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं। मेन तो जो मुख्य मेरा बनाने का उद्देश्य ये रहा कि जो अपने हिंदी पाठ्यक्रम व्याकरण के पहलू तो हैं लेकिन हिंदी व्याकरण उपलब्ध नहीं है विभाग की ओर से, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को जैसे अब तीसरी कक्षा में निपात पढ़ाना होता है, प्रश्न आ जाता है कि इस पंक्ति में निपात छाँटें, तीसरी कक्षा के बच्चे को निपात छाँटने को कह दिया जाता है लेकिन निपात क्या है और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे ये अव्यय है तो ये परिभाषा और उसके उदाहरण वो उपलब्ध नहीं है, ये कठिनाई अध्यापक को भी होती थी बच्चों को भी होती थी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये व्याकरण तैयार की,
ताकि इन कठिनाइयों को बच्चे भी दूर करके पढ़ सकें और अध्यापकों को भी एक मटेरियल मिल सके, ये कंटेंट जो वो बच्चों को आसानी से पढ़ा सके। बिल्कुल, जो मैंने जितने भी नवाचारी, मैं 1995 से हिंदी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, उस समय से आज तक मैं नवाचारी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण करा रहा हूँ। 4 बार मुझे डायरेक्टर SCERT गुरुग्राम से प्रशंसा पत्र मिल चुके हैं और राष्ट्रीय ICT अवार्ड के लिए मेरा विभाग ने, शिक्षा विभाग हरियाणा ने नाम प्रपोज किया था, रिकमेंड किया था, वहाँ मैं अपनी प्रेजेंटेशन देके आया था। हाल ही में जो है शिक्षा विभाग की ओर से मुझे भाषा सारथी और भाषा नवाचारी पुरस्कार डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने प्रदान किया। साथ साथ समाजसेवी संस्थाओं ने और नवोदय क्रांति ने राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया। इनोवेटिव टीचर के रूप में मैं कई बार सम्मानित हो चुका हूँ। आपके मैं जब हिंदी अध्यापक के पद पर लगा था, उसी समय से मेरे मन में इच्छा थी कि जो विभाग ने एक जिम्मा सौंपा है उसको पूर्ण ईमानदारी से निभाते हुए और अपने नवाचारी तकनीक के माध्यम से मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकूँ। बस मेरा यही मकसद है कि मेरा जीवन तभी सफल होगा जब मेरी ये नवाचारी गतिविधियों के माध्यम से लोग इसका लाभ उठा सकें, सरल तरह से हिंदी का विकास कर सकें, हिंदी अपनाएं और देश का मान बढ़ाएं। मेरा यही किया। जो हिंदी ई व्याकरण जो है ये बनाने का जो मेरा दृष्टिकोण था, ये था कि बच्चे पढ़ें आसानी से। और आज ई कंटेंट, ई तकनीक का युग है, जैसे हम कहें पाठशाला, ई पाठशाला हो गई, NCERT ने भी की है, तो बच्चों को ई कंटेंट के माध्यम से यदि पढ़ाया जाए रुचिकर बनाते हुए तो भाषा शिक्षण रुचिकर हो जाता है। सचित्र अगर व्याकरण दी जाए तो बच्चे रुचिकर ढंग से उसको पढ़ सकते हैं। मेन मकसद यही है कि बच्चों को हिंदी का ज्ञान सरल रूप से कराना, उनको रुचिकर बनाते हुए कराना। आज अगर हिंदी की स्थिति हम देखें विद्यालयों में तो बहुत अच्छी नहीं है। कारण क्या है कि बच्चों का भाषा का जो विकास है वो प्रारंभिक स्तर पर ठीक नहीं हो रहा। यदि अगर हिंदी का ही विकास उनका अच्छा नहीं होगा तो अन्य विषयों में वो कैसे सफलता हासिल कर पाएंगे। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी नवाचारी सोच को अपनाया और मैं नित सीख रहा हूँ। सीखते हुए उनको अपनी जामा पहले खुद पढ़ाता हूँ और अगर सफल होता हूँ तो फिर उसको आगे औरों को देने का प्रयास करता हूँ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मानते हैं कि जो बच्चे ले भी रहे हैं, मेरे पास रोज व्हाट्सएप पे, मीडिया पे कमेंट्स आते हैं कि आपकी ये व्याकरण हमने पढ़ाई, आगे भी हम दे रहे हैं और हमारे पास कुछ और आपके पास है तो लाएं। अभी कल ही तेलंगाना से मेरे पास हिंदी अध्यापक का आया कि आपका प्रयोग हमने यहाँ तेलंगाना में भी शुरू कर दिया है। बड़ी खुशी हुई कि मेरा जो ये प्रयास निःशुल्क जो मुहैया करा रहा हूँ वो अन्य राज्यों में भी उनका उपयोग किया जा रहा है ताकि बच्चे हिंदी सीख सकें।